हर जिलों में जाएंगे क्योंकि चुनाव भी वो आप आज दरभंगा में आप लोग जान रहे हैं, वहाँ बेनीपुर में जो सेठ है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरा जो ऋषि मिश्रा है वो भी औपचारिक रूप से रैली में जो जनसभा होने वाली है वहाँ वो पार्टी की सदस्यता और तमाम साथियों के साथ सब लोग लेंगे। इस चुनाव को कैसे देखते हैं, 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? तो जनप्रतिनिधि जो है इसमें वोटर्स होते हैं जो भी चुनाव जीत के आए हैं और इस बार ज़्यादातर जो जीत के आए हैं वो हमारे ही पार्टी के विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग जो है अच्छी खासी सीटें जीत गए। गोपालगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, परिवार वाले बोल रहे हैं जली शराब सुई है, लेकिन पुलिस बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शराब बंदी नहीं, पुलिस तो अपने काम को कमियों को छुपाएगी ही ना, अब परिजनों का क्या कहना है। पहली बार भी गोपालगंज में ऐसा देखा गया कि परिजनों पर जो है काफ़ी दबाव डाला गया ये ना बोलने के लिए कि भाई जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, तो ये तो अब किसी से छुपा नहीं, पुलिस जो भी बोले, लेकिन लोग तो अपने आँख से देख रहे हैं ना, लोग तो जान रहे हैं ना कि क्या स्थिति है बिहार में। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि शत्रुघ्न सिन्हा बाईपोल में आसनसोल से टीएमसी के लोकसभा के कैंडिडेट होंगे, कैसे देखते हैं उनके फैसले को? अब उनका फैसला है ममता जी का, वो अपनी पार्टी का जो निर्णय है वो ले सकती हैं, तो उसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है, अच्छी बात है। जिस तरह से ये बाईपोल में 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति हुई, जो आप लोगों ने यहाँ फैसला किया था कि कांग्रेस के साथ कितना सीट देंगे, क्या आपको लगता है फैसला सही साबित हो जा रहा है कांग्रेस? कौन सा जो 5 स्टेटों में कांग्रेस की स्थिति हुई, अभी जो परिणाम आए, आप लोगों ने जो यहाँ फैसला किया? हम तो अपने राज्य का जानते हैं और राज्यों में हमारी पार्टी की संगठन है, लेकिन इतना चुनाव में हम लोग लड़े नहीं है तो इतनी जानकारी हमें नहीं। अमेंडमेंट जो होने जा रहा है शराबबंदी कानून में, कैसे देखते हैं? पता नहीं क्या अमेंडमेंट आएगा, देखा जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।